हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का खास वीडियो पीसी यूज़र्स के लिए है, खास करके उनके लिए जो लैपटॉप यूज़ करते हैं। और लैपटॉप में यदि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और वो इंटरनेट आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, शेयर करने के लिए हमें हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर। हम लैपटॉप के अंदर हॉटस्पॉट है वो ऑन कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब जानने वाले हैं। वाईफाई तो नॉर्मली आप सभी है वो कनेक्टेड कर लेते हो, आप अपने लैपटॉप के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करके वो इंटरनेट जो आपने लैन केबल से कनेक्ट किया हुआ है वो इंटरनेट आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो किसी मोबाइल पे, तो वो आप कैसे करोगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आजकल ऐसे छोटे छोटे राउटर आने लगे हैं जिसे हम लोग हॉटस्पॉट में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे मॉडल भी आने लगे हैं जिनके अंदर हम लोग सिम डालकर, और राउटर भी आने लगे हैं जिनके अंदर हम लोग सिम डालकर भी उन्हें एज ए हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने लैपटॉप को भी हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हो और डेटा है वो शेयर कर सकते हो। कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग अपने लैपटॉप में हॉटस्पॉट है वो कैसे ऑन करें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ सेटिंग पे आना है। ध्यान रहे आपके इंटरनेट में इथरनेट केबल है वो, लैन केबल है वो, पहले से पीसी के अंदर है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है। जैसे आप सेटिंग ऑन करोगे और लैन केबल इथरनेट मतलब लैन केबल है वो पीसी के अंदर कनेक्टेड होनी चाहिए, न कि आप वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करो, फिर आप अपने लैपटॉप या पीसी से वो इंटरनेट है वो शेयर कर सकते हो एज ए हॉटस्पॉट के तौर पर। तो यहाँ पे आना आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे मोबाइल एंड हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हॉटस्पॉट है वो ऑन कर देना है। तो मैंने हॉटस्पॉट है वो ऑन कर दिया। अब यहाँ से आप एडिट करके जो नाम है हॉटस्पॉट का वो नाम दे सकते हो, और चाहो यहाँ अपना पासवर्ड है वो सेव कर सकते हो, तब आपका लैपटॉप एज ए हॉटस्पॉट के तौर पर वो काम करेगा। और दोस्तों यदि आप विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 8.1 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं अलग से जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करके भी आप पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एज ए जो वाईफाई है उसको हॉटस्पॉट के तौर पर यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे एडिट करके इसको जो भी नाम देना चाहो, फिर आप अपने मोबाइल से वाईफाई से सर्च करोगे तब आपको इस नाम से एक नेटवर्क मिलेगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई सर्च करके चेक कराता हूँ, तब आप देख पा रहे हो कि जो आपके डेस्कटॉप के अंदर यानी मेरे लैपटॉप के अंदर जो वाईफाई का नाम है डेस्कटॉप R90, तो ये सेम टू सेम है वो आपको सर्च में भी मिल जाएगा। अभी ऑन नहीं है तो मैं यहाँ से इसको पहले ऑन कर देता हूँ, तो अब आप मोबाइल के अंदर स्क्रीन के अंदर देख पाओगे सर्च हो रहा है। जैसे ही सर्च कंप्लीट होता है ये देखिए ये नीचे आ गया ना, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाईफाई है वो इसको कैचअप कर रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो नेटवर्क पासवर्ड के अंदर जाके, और सिंपली आपका मोबाइल से कनेक्टेड हो जाएगा जिससे आप अपने लैपटॉप के डेटा शेयर कर सकते हो मोबाइल से एज ए हॉटस्पॉट के तौर पर। चाहे आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो, चाहे 7 यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडो 8 या 8.1 यूज़ कर रहे हो, लेकिन 8.1 यूज़ के लिए मैं अलग से सेटअप दूंगा, वो आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही ईजी तरीके से और सिंपल तरीके से अपने लैपटॉप के अंदर हॉटस्पॉट है वो ऑन कर सकते हो। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपके विंडोज 7 या विंडो 10 है तब आपको किसी थर्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज यदि आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट वो हॉटस्पॉट है वो अपने लैपटॉप के अंदर ऑन कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस जो आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेज देने वाले हैं।
आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।